आइए सबसे पहले नजर डालें आज की हेडलाइंस। गुना में आज कृषि उपज मंडी में व्यापारी ने कम तौल के नाम पर हमाल और मजदूरों के काटे पैसे, लगाया बाल तोलने के दौरान घपला करने का आरोप। मंडी प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद निपटा हमालों और व्यापारी के बीच विवाद। व्यापारी और हमालों के विवाद के बीच किसान हुआ परेशान, माल खरीदी के बावजूद भी काफी देर तक नहीं हो पाई किसी प्रकार की तुलाई। जिला पंचायत भवन में आज दिव्यांग अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आयोजित किया गया प्रशिक्षण सह कार्यशाला। अतिरिक्त कार्यपालन यंत्री NN नरवरिया और जनपद अधिकारियों द्वारा आज दिया गया मार्गदर्शन। कार्यक्रम के अंत में सभी को दिलाई गई मतदान करने की शपथ। जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज सिसोदिया कॉलोनी में लगाया गया स्वास्थ्य शिविर। डेंगू के मच्छरों के लार्वा का भी किया गया सर्वे। शिविर के दौरान 100 से अधिक रोगियों का हुआ रोग परीक्षण और दी गई उन्हें आवश्यक दवाएं और दी गई जानकारी। मीनागंज के आगे रबड़ी चौकी पर आज बस और पिकअप के भीषण भिड़ंत में 3 लोगों की हुई दर्दनाक मौत, 5 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। बस गुना से सुबह जा रही थी इंदौर की तरफ। नेकी की दीवार पर आज आयोजित हुआ नेत्र परीक्षण शिविर। दल जिला होम्योपैथिक एसोसिएशन और सोनाली केबल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जाएगा डेंगू रोग निराकरण शिविर। दिया जाएगा डेंगू का प्रिवेंटिव डोज। म्याना में पेट्रोल डलवाकर लौट रहे एक बाइक सवार हुआ दुर्घटना का शिकार। एक वाहन से हुई टक्कर, बाइक सवार हुए गंभीर रूप से घायल। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बबोरी विधानसभा क्षेत्र में वोटमैन नुक्कड़ सभा, रैलियों, बैनर और पोस्टरों के माध्यम से किया जा रहा है मतदाताओं को जागरूक। गुना कलेक्ट्रेट परिसर में पानी के चैम्बर के ढक्कन टूटने से चैम्बर खतरनाक स्थिति में, हो सकता है कभी भी कोई बड़ा हादसा। गुना में शुरू हुई जिला कबड्डी संघ द्वारा 3 दिवसीय अंडर-14 कबड्डी प्रतियोगिता। मुख्य अतिथि अजीम अरविंद वाजपेयी ने किया प्रतियोगिता का शुभारंभ। शहर में जागरूक सामाजिक नागरिकों द्वारा किया जा रहा है रक्तदान। आज एक निर्धन पीड़ित की एक जागरूक नागरिक ने रक्तदान कर की मदद। पिछड़े वर्ग के जरूरतमंद लोगों की मदद के आह्वान के साथ आरोन में संपन्न हुई साहू समाज की तहसील स्थल बैठक। आज सुबह मंडी में हमालों और एक व्यापारी के बीच विवाद हो गया। विवाद का कारण यह था कि व्यापारी ने हमालों और मजदूरों पर आरोप लगाया कि उन्होंने जो माल उनका आया था उसमें तौल में घपला किया है, यानी लगभग हर क्विंटल पर 250 ग्राम का घपला किया है जिससे उसको नुकसान हो रहा है। इस बात को लेकर उसने एक हमाल के पैसे तक काट लिए। इसके विरोध में हमालों ने अपनी जब बात कही तो व्यापारी ने तुलाई ही बंद कर दी। इस तुलाई के बंद करने के पश्चात हमालों और व्यापारी के बीच में स्थिति थोड़ी विवादमय हो गई और दोनों अपनी अपनी जगह अपने स्थान पर चले गए। इस दौरान दोनों के बीच तो विवाद हुआ, लेकिन परेशान हुआ अन्नदाता। अन्नदाता जिसने आज सुबह डाक करवा ली थी, जिसकी खरीदी हो गई थी, खरीदी के बाद तुलाई के नाम पर वह बैठा रहा कि उसकी तुलाई होगी, लेकिन पता चला कि दोनों के बीच विवाद हो गया है हमालों और व्यापारी के बीच, तो तुलाई बंद। लगभग 2 बजे तक तुलाई बंद रही। उसके पश्चात मंडी प्रशासन के हस्तक्षेप के पश्चात मंडी सचिव के पहुंचने के बाद व्यापारी और हमालों के बीच समझौता हुआ, तब जाकर दोपहर के बाद आज तुलाई संभव हो चुकी। असल में होता यह है कि पहले इलेक्ट्रॉनिक टोल काटे नहीं थे, जिसके चलते आए दिन सामान्य रूप से जो तौल काटा चलता था उस पर कामकाज होता था, जिसमें हमालों के अनुसार व्यापारी और व्यापारी के अनुसार हमाल इस प्रकार की घपला कर लेते थे जिसमें 200-250 ग्राम का अंतर पड़ जाता था। लेकिन जब से इलेक्ट्रॉनिक तौल काटा शुरू हुआ है पिछले 4-5 महीनों से, तब से स्थिति बदल गई है। अब थोड़ा सा भी यदि वेरिएशन तौल काटे में आता है तो ऐसी स्थिति में वो जो अनाज है उसकी एग्जैक्ट जो कीमत है वह पता चल जाती है, उसकी जो एग्जैक्ट जो उसकी तुलाई है, उसका जो वजन है वह पता चल जाता है, जिसके चलते अब यह स्थिति नहीं बन पाती कि कोई भी कहीं से भी किसी प्रकार का कोई घपला कर सके या तुलाई में कुछ जोड़ घटाव कर सके।
यही कारण है कि आए दिन व्यापारी और हम्मालों के बीच विवाद की स्थिति बन रही है। हम नहीं कर रहे भाई, हम तो तैयार हैं। हमने हमाल संघ के सदस्य हरवीर सिंह यादव से बातचीत की और उन्होंने आज के इस विवाद को लेकर विस्तार से बताया कि किस प्रकार से ये विवाद हुआ है और वीरू रघुवंशी नाम का जो एक हमाल है उसके लगभग 30,000 रुपए व्यापारी ने काटे। क्या नाम है आपका? समंदर यादव। कहाँ से आए हो? करोल। आप बताए कब क्या और क्या हुआ है? अरे 10 बजे मंडी खरीद ली, यहाँ पर कोई चला आईडी नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं? नहीं चल रहे, बंद कर दे दिया। क्यों पूछा नहीं? मना कर रहा हूँ कि माल हम नहीं ले रहे, नहीं ले रहे। तो मंडी में क्यों गया लेने के लिए? इसका जिम्मेदार कौन है? जवाब नहीं दे रहे ना। फिर इसके बाद क्या करोगे? कहाँ पे क्या करेंगे? क्यों खरीदा हमारा? हमने तो कहा था कि हम दूसरा व्यापारी खरीदता, दूसरे हमें लाइट नहीं मिल रही, हम तो किसान है ना, लाइट के चक्कर में बेच भी आए, वहाँ से अपनी लाइट बंद है, जहाँ से मंडी बंद है, अब कहाँ यहाँ खरीदे, कहाँ बेचे, किससे पैसा ले? तो माल तुम्हारा खरीद लिया उनने? अब क्या दिक्कत आ रही है? अब कह रहे हैं माँ तो लेगा, माँ तो लेगा, सब दिन हमारे खेती का रोल ही नहीं है, कोई खेती हमारी पूरी लेट हो रही है। अब बिल बिल भरवे के चक्कर में जो माल लाए थे वो ही माल नहीं, 10 फड़ान पे ट्रैक्टर घुमा दिया। क्या जवाब आ रहा है? जो हम लोग माल लेके बैलगाड़ी आए हो, कहां से करोड़ से क्या लेके आए? सोयाबीन सोयाबीन सोयाबीन। तो आप क्या है कि तुम्हारी तुलाई नहीं कर रहे? तुलाई नहीं कर रहे, ट्राली पर लग रही चाहिए। अच्छा तो अब आप क्या करोगे? अब क्या करेंगे? मंडी ऑफिस से जाएंगे और शिवराज सिंह रघुवंशी कहाँ? ये बातल के नाम से, बातल रघुवंशी नाम से। अच्छा तो जी आप कौन से गांव से आए हो? पिपरिया। पिपरिया, क्या सोयाबीन लेके? हाँ। तो कब से यहाँ बैठे हो? 3 दिन तो मंडी में खड़े थे, शनिवार के। हाँ शनिवार सुबह के। हम्म। और आज अभी सुबह डाक हो गई। हम्म। 10 बजे निपट गए, पहले नंबर लगा गई, भरी वही ट्राली, आधी आधी ट्राली पड़ी, आधी नीचे पड़ी, आज डाक बंद कर गए, अम्बा ने आप निकल गए। अच्छा और तार लगा गए। अब डाक करें साहब, हम ये इसको अब डांग वही पर्ची मिल गई हुई, तुम्हें आपको तोल मोल कुछ नहीं है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बमोरी विधानसभा क्षेत्र में जनपद सीईओ सौरभ सिंह कुशवाह द्वारा उनके निर्देशन में रैलियों, पोस्टर और अन्य माध्यमों से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि किस प्रकार से मतदान सभी के लिए अत्यधिक आवश्यक है। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में रैलियां निकाली जा रही हैं, जन जागरण रैलियां निकाली जा रही हैं, वोटमैन भी विभिन्न स्थानों पर पहुंच रहे हैं और वोटमैन के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि हमें अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले वोट दो। सर आज ये रैली निकाली गई है, किस संबंध में निकाली गई है? ये मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निकाली गई है, जो भी नए और पुराने, कुछ नए मतदाता भी हैं, नए मतदाता तो उत्साहित रहते ही है, साथ साथ पुराने भी, जैसे अपनी पिछली बार वोटिंग जो यहाँ का प्रतिशत रहा था उसको लगभग 72% था, इस बार लक्ष्य रखा गया है कि अधिक से अधिक लोग मतदान करें, लगभग अपना 100% तक, 100% तक मतदान करें, प्रतिशत पहुँचाएं। ये रैली कहाँ निकाली गई थी? ये रैली बमोरी में निकाली गई है, इसके अतिरिक्त और जो बड़े बड़े अपने यहाँ जो ब्लॉक में कस्बे हैं, जिला है, वहाँ पे भी निकाली जा रही है, फतेहगढ़ में भी निकाली गई थी, फतेहगढ़ में दशहरा को प्रोग्राम हुआ था, बाकी जगह भी हर बूथ के लिए एक जो मतदाताओं का जागरूक समूह है वो बनाया गया है,
तो हर बूथ पे भी कार्यक्रम करेंगे और जो भी उस बूथ के अंतर्गत मतदाता हैं उनको ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश करेंगे कि वो सब लोग अपना मतदान बिना किसी भय लोभ लालच के अपना मतदान करें। की पहल है ये स्वीप के लिए और इसके लिए ये जो आप वोटमैन देख रहे हैं ये जिले की पहल है। हर जिले का अलग अलग मोनूमेंट बनाया गया है, हर जिले का अपना अपने अपने हिसाब से लोगो बनाया गया है। जो कलेक्टर साहब जो जिला निर्वाचन अधिकारी है उन्होंने इसको लॉन्च करवाया है तो हर जिले में ये अलग अलग चल रहा है। सभी जगह एक सा नहीं दिखेगा आपको लेकिन हर जिले का ये अपना अपना प्रयास है कि इनोवेशन के हम ज्यादा से ज्यादा वोट के प्रचार प्रसार के लिए लोगों को आकर्षित करने के लिए हम क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। आज रैली में कौन कौन से विभाग के कर्मचारी अधिकारी मौजूद हैं? हमारे यहाँ तहसीलदार कार्यालय से माननीय नायब तहसीलदार साहब, जनपद के सभी कर्मचारी, महिला बाल विकास के अधिकारी कर्मचारी और आजीविका मिशन के कर्मचारी, समूह की महिलाएं एवं आम जनता। सबसे ज़्यादा हमें जो सपोर्ट चाहिए वो आम जनता, तो इसमें सब ज़्यादातर लोग आम जनता के लोग हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं पत्रकार बंधु भी शामिल हैं। दिव्यांग अधिकारियों और कर्मचारियों को सह प्रशिक्षण दिया गया और सह कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के दौरान अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एन एन नरवरिया, साथ ही जनपद की सीईओ कुसुम मंडलोई सहित विभिन्न अधिकारियों ने मार्गदर्शन दिया कि किस प्रकार से मतदान की जो प्रणाली है वह काम करती है, किस प्रकार से वीवीपैट मशीन और ईवीएम मशीन काम करेगी, नई मशीन के माध्यम से क्या फायदे हैं, किन किन चीजों के माध्यम से मतदाताओं को बताया जा सकता है, इन सब बातों को लेकर विस्तार से अधिकारियों ने जानकारी दी और अंत में सभी को आवश्यक रूप से मतदान करने की शपथ भी दी। वो स्टैंड पर घड़ी घूम करके पर्ची को जारी करता है लेकिन जब ये इस तरह से ट्रांसपोर्ट मोड पर होता है तब वो रोल जो है वो स्टैंड पर बिल्कुल कस के फिट हो जाता है और फिर वो अपने स्थान पर घूमता नहीं, तो जब वो घूमेगा नहीं तो उसमें से पर्चियां भी निकल कर बाहर फटके नहीं आएंगी। तो जब इस ये स्विच इस पोजीशन में है और हाईली टेस्टेड कई स्तरों से ये टेस्टिंग होकर के फील्ड में आई है। पीनगर के पास ग्राम रवड़ी में आज एक हादसा हो गया। ये हादसा आज सुबह लगभग 5 बजे के आसपास हुआ जबकि गुना से इंदौर जा रही एक बस सामने से आ रही पिकअप से टकरा गई जिसमें बस में सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, घायलों को अस्पताल भिजवाया गया है, वहीं मृतकों का पोस्टमार्टम कराया गया है। मृतक पास के ही गांव के रहने वाले थे। मृतकों के नाम रामजीवन मीणा, पप्पू मीणा, दशरथ मीणा थे जो समीप के ही देवला और राधेपुरा गांव के थे। म्याना के पास आज सुबह एक दुर्घटना हो गई। म्याना पेट्रोल पंप के पास से 2 लोग जो एक बाइक पर सवार थे वे पेट्रोल डलवाकर गाजीपुर अपने गांव की तरफ जा रहे थे कि अचानक शिवपुरी की तरफ से आ रहा एक वाहन उनसे टकरा गया जिससे ये गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला चिकित्सालय लाया गया, वहां पर उनका इलाज चल रहा है। हमने इस संदर्भ में एक घायल से बातचीत की कि दुर्घटना कैसे हुई, तो उस घायल ने कुछ विस्तार से इस प्रकार बताया। नहीं नहीं गाड़ी की एक्सीडेंट कैसे हुआ? पेट्रोल डलवा के आ रहे थे, पेट्रोल डलवा के और फिर मैं पीछे बैठा था तो आप एक गाड़ी में 2 लोग थे क्या? हाँ। कौन कौन ये भैया थे? अच्छा जे हुआ है फिर तो क्या नाम था उनका? अल्लाह। जाति क्या उनकी? और आपका क्या नाम? आपका क्या नाम? मुकेश। आप भी धाकड़? आपकी उम्र कितनी हुई? मेरी 61 साल। भैया की? वो तो 63। तो कौन से पेट्रोल पंप पे हुआ ये एक्सीडेंट? म्याना। म्याना पेट्रोल पंप से पेट्रोल डला के आप कहाँ जा रहे थे? गांव जा रहे थे। तो म्याना से आगे? हाँ गांव गाजीपुर। अच्छा गाजीपुर जा रहे थे आप? गाजीपुर के रहने वाले हैं? गाजीपुर। तो क्या के इसने आप ये स्पीड से आ रही थी किधर से गाड़ी? जी कहाँ से आ रही थी गाड़ी? पेट्रोल डलवा के
वो चला गया। अब मुझे पता नहीं पड़ पाया, मतलब इसमें ये ठीक है वो ठीक है मेरे को पता नहीं। जे का गुना से आ रही थी कि उधर से आ रही थी, शिवरी साइड से जे आ रही थी, उधर से शिवरी से आ रही थी या नहीं से आ रही थी या अच्छी तरह से आ रही थी या आपने ये भी रोड पे आ रही थी, ये भी रोड पे बोलो पेट्रोल पंप के जेट सामने हुआ है, मतलब पेट्रोल डरवा के हमने मुर्खा ही बस मात ये भी पेट्रोल डरवा नहीं जा रहा होगा और हम भी वहीं से आ रहे थे, मैं पीछे बैठा था तो एकदम मतलब पता नहीं है कौन इसका नाम पता चला क्या है इसका पता नहीं है नाम का पता नहीं। नेकी की दीवार पर हर रोज नेकी के दवाखाने के माध्यम से गरीब लोगों का इलाज हो रहा है और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ने वाले सभी जो चिकित्सकगण हैं वे वहां पहुंचकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस सार्थक में न सिर्फ चिकित्सकगण अपनी सेवाएं दे रहे हैं बल्कि निःशुल्क रूप से दवाएं वितरित करने के लिए भी दानदाताओं के नाम लगातार सामने आ रहे हैं और हर रोज कम से कम 10 से 15 लोग ऐसे हैं जो अपनी तरफ से धनराशि देकर गरीबों के लिए निःशुल्क दवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। इस सार्थक में आज जहां नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया और जिसमें कई नेत्र रोगियों की जांचें की गई, उनको आवश्यक दवाएं भी दी गई। कल जिला होम्योपैथिक एसोसिएशन और सोनाली चैनल्स के संयुक्त तत्वाधान में डेंगू निवारण शिविर लगाया जाएगा। इस डेंगू निवारण शिविर में होम्योपैथिक चिकित्सक एसोसिएशन द्वारा दवाएं दी जाएंगी और इस मौके पर विशेष रूप से डेंगू से बचाव के लिए प्रिवेंटिव डोज भी दिया जा सकेगा। इस डोज को न सिर्फ डेंगू के मरीजों को बल्कि जिन्हें डेंगू नहीं हुआ है वे भी ले सकेंगे। शहर भर में डेंगू के विभिन्न मामलों के आने के पश्चात जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न स्थलों पर पहुंचकर विभिन्न कॉलोनियों मोहल्लों में जाकर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम में आज जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा सिसोदिया कॉलोनी में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस स्वास्थ्य शिविर में 100 से अधिक नागरिकों को डेंगू से संबंधित रोग की जाँच की गई और उन्हें आवश्यक दवाई भी दी गई। इस मौके पर डेंगू से बचाव के लिए आवश्यक हिदायतें भी सभी नागरिकों को इस मौके पर वहां पर उपस्थित चिकित्सक दल और स्वास्थ्य विभाग मलेरिया विभाग के जो कार्यकारी अधिकारी थे कर्मचारी थे उनके द्वारा दी गई। यहाँ से लगाया है कहाँ पे लगाया गया आज दिनांक 30/10/18 को सिसोदिया कॉलोनी में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है और यहाँ पर सघन डेंगू लार्वा का सर्वे भी किया जा रहा है और जो भी मरीज आ रहे हैं वहाँ से पीड़ित उनका उपचार किया जा रहा है और मरीज ना घबराएं इस चीज़ से, इसके लिए उनको सारी बातें बताई जा रही है। अभी कितने मरीज आ सकते हैं सुबह से लगा लगभग बुखार से 150 के आसपास मरीज हमारे पास बुखार जैसी समस्याओं की सबकी स्लाइड बनाई जाएगी और पूरा उपचार किया। जिला कबड्डी संघ के तत्वावधान में गुना में 3 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता शुरू हुई। ये कबड्डी प्रतियोगिता जिला स्तरीय है जो कि अंडर 40 वर्ग के बच्चों के लिए है। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गुना के एसडीएम अरविंद वाजपेयी ने और इस मौके पर उन्होंने पहले मैच के दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और आज भी ये मुकाबले खेले जा रहे हैं। कल इस प्रतियोगिता के अंतर्गत फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। पहला परचेस तो ये, इसके बाद अगर किसी भी गरीब बच्चा है
या बच्ची है उसके घर पे और गरीब आदमी है, उसको कोई जानता नहीं, जैसे समाज में रिश्तेदार, तो अपन अब भूमिका उसने ये निभाना है कि उस जरूरी सभी की दायित्व अपना, तो उसके लिए युवा जैसे रिश्तेदार को रिश्तेदार तो ढूंढ लेता है, लेकिन उसको भी तो अपन देखना है वो बच्ची अन्य जगह नहीं जाए। कई लोग ऐसे है कि अपने 1% बच्चियां दूसरी समाज में जा रही है, वो नहीं जाना चाहिए। ये हमारा आपसे सभी भाइयों से अनुरोध है कि ऐसी ध्यान में रखो कि ये बच्ची अपनी है, यदि को भाव है तो दुश्मन भी है, अगर विचार नहीं होता आपसी में कभी होता ऐसा मतभेद तो दूसरे देखते हैं, इसलिए हमारा सब लोगों से धन्यवाद रखिए, बच्चों पर ध्यान रखिए। तो दर्शकों आज की हलचलों में आप बस इतना ही, कल फिर नई हलचलों के साथ होंगे हम आपके समक्ष उपस्थित, तब तक के लिए मुझे यानी धर्मेंद्र बज को दीजिए अनुमति। आइए हम आपको लिए चलते हैं हमारे कार्यक्रम बिजनेस बज की दुनिया में, हमारे कंप्यूटर एडिटर कैलाश कुशवा, कैमरामैन हरीश पवन और विनोद कुशवा के